सूरज जो हमारी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जब हम सूरज को जमीन से देखते हैं तो ये हमें छोटी सी येलो बॉल की तरह नजर आता है, लेकिन असल में ये इतना बड़ा है। अगर इसकी एनर्जी की बात की जाए तो सूरज हर वक्त स्पेस में हाइड्रोजन बॉम्ब जितनी एनर्जी रिलीज करता है और इसकी सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत घना गैसियस एटमॉस्फेयर मौजूद है कि अगर कोई प्लेनेट इनकी लपेट में आ गया तो वो जलकर राख हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप सूरज के करीब मौजूद प्लेनेट्स मरकरी और वीनस को देख लें, जिनका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हालत आज मार्स की है वो भी इन तूफानों की वजह से हुई है, क्योंकि मार्स के पास हमारी जमीन की तरह कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो इसे सूरज के इन खतरनाक तूफानों से बचा सके। जमीन के पास मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1990 में ऐसा हो चुका है जिसने जमीन पर मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डैमेज कर दिया था। बस यही वजह है कि साइंटिस्ट सूरज से पैदा होने वाली सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में हम अपनी जमीन को खतरनाक सोलर फ्लेयर से बचा सकें। 12 अगस्त 2018 रिकॉर्ड की गई ऑडियो को सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेस में किसी भी तरह का कोई भी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, और जो साउंड अभी आप सुनेंगे वो नासा ने उस डेटा को इकट्ठा करके बनाया। इस तरह की आवाज़ों को साइंटिस्ट ने विस्लर मोड वेव्स का नेम दिया है, क्योंकि सुनने में ये आवाज़ सीटी की लगती है। आइए अब अगली ऑडियो को सुनते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक फ्यूचर में इस डेटा के जरिए हम ये प्रिडिक्ट कर सकेंगे, ये ऑडियो इन तमाम ऑडियो में से बहुत ज्यादा खास है। इनमें सबसे ज्यादा अच्छी वॉइस आपको कौन सी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।